बिहार में चुनाव धीरे धीरे रंग पकड़ता जा रहा है। चुनावी मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दल राज्य की सत्ता तक पहुंचने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। सभी दलों की चाहत सत्ता में भागीदारी की है। चुनाव को लेकर दल हो या गठबंधन, अपने नेता या मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखते हुए चुनावी मैदान में सभी ताल ठोक रहे हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस से चर्चा में आए गुप्तेश्वर पांडे के इस बार बक्सर से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एनडीए गठबंधन ने बीजेपी के हिस्से में सीट आई और बक्सर से बीजेपी ने परशुराम द्विवेदी को टिकट दे दिया। गुप्तेश्वर पांडे को टिकट न मिलने पर बक्सर की जनता ने काफी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि बीजेपी और अश्विनी चौबे ने उनको धोखा दिया है। जबकि 2015 में वो लोकसभा के लिए भागलपुर से यहाँ आए तो हम लोगों ने गुप्तेश्वर पांडे के कहने पर ही इनको वोट दिए, उनके लिए काम भी किया और आज वही अश्विनी चौबे ने इनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। उनको डर था कि अगर गुप्तेश्वर पांडे को टिकट मिलता तो उनका लोकसभा से पत्ता साफ हो जाता। साथ ही एक युवक ने कहा कि आप इस गांव से या बाहर गांव से पता कर लीजिए, सब जगह चर्चा है कि अश्विनी चौबे जहर की शीशी लेकर बैठ गए थे कि गुप्तेश्वर पांडे को टिकट मिला तो जहर पी लेंगे, इसी वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया। वहीं गांव वालों का कहना है कि टिकट न मिलने से गुप्तेश्वर पांडे को मलाल या नाराजगी नहीं है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या केस की जांच के दौरान गुप्तेश्वर पांडे अपने बयान से चर्चा में आए थे और कुछ दिनों बाद गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार डीजीपी के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।